हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा यूरोडोमो हुड इंडिगो किचन चिमनी आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो, वही मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आप सभी जानते हो कि ये एक ऑटो क्लीन चिमनी है और इसका जो फिल्टर वो नहीं है, फिल्टरलेस चिमनी है। तो सबसे पहले आपको जो है चिमनी का स्विच जो है ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा ऑन का, तो फिर आपको राइट साइड में हाथ जो है हिलाना है तो आपका जो चिमनी है वो ऑन हो जाएगा। तो फिर आप देख सकते हो अभी राइट साइड में मैंने एक बार हिलाया और मेरा चिमनी जो है ऑन हो गया है और ये अभी लेवल 1 पे अभी चल रहा है। और इसका बिल्कुल नीचे में आप देख सकते हो दो LED लाइट्स दिया गया है और इसका LED बल्ब जो है वो भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो इसका LED बल्ब अभी जल रहा है। LED बल्ब जलने पर आपको कोई भी और लाइट ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो LED बल्ब अभी जल रहा है। तो और इसके बिल्कुल नीचे में आप देख सकते हो गैस ओवन, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से लाइट नज़र आ रहा है। तो फिर कोई भी और लाइट्स जलाने का ज़रूरत नहीं है, LED बल्ब से आप बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है लाइटिंग शो हो रहा है। तो फिर आप अगर चाहो इस LED लाइट को टर्न ऑफ कर सकते हो। LED लाइट को टर्न ऑफ करने के लिए आपको जो LED बल्ब का स्विच है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फिर आप देख सकते हो LED बल्ब जो है अभी ऑफ हो गया है। तो फिर आप एक से अगर दो पे लाना चाहते हो तो फिर राइट साइड पे आपको फिर से इस तरीके से कर लेना है। तो फिर आप देख सकते हो अभी दो पे चल रहा है, और अगर आप दो से तीन पे लाना चाहते हो तो फिर इस तरीके से आपको इस तरीके से करने से आपको जो है 3 स्पीड में आ जाता है। और अगर आप फिर से 3 से 1 में लाना चाहते हो फिर से आपको एक बार राइट साइड में इस तरीके से लाना है। तो फिर आप देख सकते हो अभी फिर से 1 में आ गया है। तो फिर आप अगर चाहो मोशन सेंसर को यूज़ नहीं करना चाहते हो तो फिर आप उंगली से भी कर सकते हो, सिर्फ आपको इस तरीके से टच करना है। तो फिर आप देख सकते हो उंगली से भी आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, एक से फिर से एक आने के लिए आप इस तरीके से। तो फिर आप देख सकते हो इस तरीके से आप बहुत ईजीली मोशन सेंसर से भी कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो फिर टच करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको ऑफ कर लेना है यूरोडोमो किचन चिमनी वो मोशन सेंसर के द्वारा ऑफ कर लेना है आपको, तो फिर इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से हाथ को हिलाना है। तो फिर आप देख सकते हो 3 मिनट यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब बोल रहे हैं 3 मिनट्स के बाद जो है ये चिमनी ऑफ हो जाएगा। और अगर आप इसे 3 मिनट्स के पहले ही ऑफ करना चाहते हो तो फिर से आपको लेफ्ट साइड से तरीके से हाथ को ले जाना है। तो आप देख सकते हो मेरा चिमनी जो है वो ऑफ हो गया है। इस तरीके से आप बहुत इजीली यूरोडोमो किचन चिमनी को ऑपरेट कर सकते हो। मोशन सेंसर से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो और टच से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। तो फिर मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो फिर जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।